अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग रमज़ान शॉपिंग पार्ट 1 का सीक्वेंस है और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं रमज़ान के लिए शॉपिंग करने। आज हम शॉपिंग करने किसी ग्रोसरी स्टोर पे नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं फूड मार्केट में, क्योंकि जो हलाल गोश्त है वो हमें ग्रोसरी स्टोर से बिल्कुल भी नहीं मिलता, इसलिए ये जो मार्केट है यहाँ पे इजीली हलाल गोश्त मिल जाता है। आज हम ट्रेडिशनल होलसेल मार्केट जा रहे हैं। होलसेल मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पे आप बल्क में कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। हम लोग यूजली इस मार्केट से शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं करते, हम लोग अगर मीट वगैरह लेना हो तो इस मार्केट में जाते हैं, बाकी शॉपिंग हम लोग ग्रोसरी स्टोर से करते हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदना होता। इसलिए अगर आप ज़्यादा वो बल्क में लोगे तो आपको सही रेट में मिल जाता है, अगर आपने थोड़ा सामान लेना तो वो आपको उसी रेट में मिलेगा जो आपको ग्रोसरी स्टोर से भी ले सकते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ से शॉपिंग नहीं करते क्योंकि यहाँ पर हलाल मीट की बहुत ज़्यादा शॉप्स हैं और इसलिए हम लोग को यहाँ पर जाना पड़ता है मीट लेने के लिए। मार्केट हमारे घर से थोड़ी दूर है इसलिए हम लोग वीकेंड पे ही जाना प्रेफर करते हैं, और वैसे भी अगर हम लोग 2 से 3 बजे तक से पहले ही चले जाते हैं क्योंकि अगर तो हम लोग लेट जाएं तो वहाँ पे मीट ख़त्म हो चुका होता है, वो नहीं मिलता। आज वेदर भी बहुत अच्छा था, सनी डे था, सर्दी भी थी और सनी भी डे था तो अच्छा मज़ा आ रहा था। चलें चलते हैं शॉपिंग करने और आपको यहाँ की होलसेल मार्केट भी दिखाते हैं कैसी होती है। और चलें जी, हम लोग पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने एंटर होने से पहले स्कैन किया था मार्केट में, ये वेट मार्केट है और यहाँ से सी फूड मिलता है, और हमने सबसे पहले चिकन लिया था। हलाल चिकन की जो शॉप थी वो इसी मार्केट में थी। फ्रोजन चिकन है जो कि स्लॉटर हाउस से प्रोसेस होकर आता है। यहाँ पे जो चिकन है वो स्किन के साथ मिलता है और हम लोग पाकिस्तान में तो चिकन डाउट स्किन खाते हैं, इसलिए हम लोग को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है स्किन के साथ चिकन खाने की। इसलिए हम लोग चिकन कट करवाने से पहले स्किन रिमूव करवा लेते हैं क्योंकि जब वो पीसेस हो जाते हैं तो उसके ऊपर से स्किन उतारना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ पाकिस्तान में ही हम लोग जो चिकन स्किन के साथ नहीं खाते, लेकिन बहुत सारे अदर कंट्रीज हैं जहाँ पे जो चिकन है वो स्किन के साथ ही खाना पसंद करते हैं, एंड इवन के डक मीट भी स्किन के साथ ही मिलता है। और यहाँ पे फिश टब में से निकल के बाहर आ गई है और हम लोगों ने फिर इन शॉपकीपर को बताया कि आपकी फिश बाहर आ गई है, तो फिर वो आए अंकल और उन्होंने दोबारा फिश को टब में डाला और हमारा तो जो चिकन है वो भी रेडी हो गया है। और आगे विजिट करते हैं मार्केट और हम भी फिश लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये लोग कौन से सी फूड खाना पसंद करते हैं। और ये सारी फिश की शॉप है, इनमें से तो बहुत सारी फिश आती है जिनका तो हमें नाम भी नहीं पता। और ये जो शॉप है इस पे प्रॉन्स पड़े हुए हैं, ऑक्टोपस, स्क्विड और शेलफिश, टोर्टोइस हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इनमें से कौन कौन सी चीज़ खाई हुई है, कौन कौन सा सी फूड खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है।
ये लोग तो टोटरास बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। आई थिंक सो कोई भी सी फूड ऐसा नहीं है जो ये लोग ज्यादा शौक से नहीं खाते, सब कुछ ही खा जाते हैं ये तो। और ये फिश है, चलो जी ये फिश भी दिख गई है जो कि हम लोग शौक से खाते हैं। यहाँ की सबसे मजे की बात यह है कि जो फिश है यहाँ पे फ्रेश मिलती है, और ये उसी टाइम ही उसको पानी में से निकाल कर आपको कट करके दे देते हैं, और इस फिश में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। अगर आप फ्रोजन फिश लेते हैं या जो फिश पहले से कट करके रखी हो, अगर आप वो लेते हैं तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल होती है। जो ऐसे फ्रेश जो फिश होती है इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती। और यहाँ पे हमने भी अपने लिए एक फिश सेलेक्ट कर ली है क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा शौक से फिश खाते हैं, और जब भी इस मार्केट में आते हैं उनका सबसे पहले यही होता है कि सबसे पहले फिश लेनी है, फिश लेनी है। और यहाँ पे फिश ने बहुत ज्यादा छींटे उड़ाए थे कि इसलिए हमारे लिए बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, और हमने बहुत ही मुश्किल से पीछे हो होकर गिफ्ट बनाया है। शो दा ज्यादा ठीक है, पड़ेंगे सारे। ये ब्लैक चिकन है, अगर आप में से किसी ने खाया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोगों ने तो अभी वैसे टेस्ट कभी नहीं किया क्योंकि हमारे लिए ये न्यू है, इसलिए हम लोगों ने अभी इसको ट्राई भी नहीं। ये होलसेल मार्केट है जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, इसलिए यहाँ पे ये स्पाइसेस और फूड की बहुत ज्यादा वैरायटी है। इस मार्केट में थोड़ा रश भी होता है। और ये यहाँ से हमने फिश मसाला लिया था, ये इसके ऊपर हलाल का टैग लगा हुआ है, ये हलाल है।
जैसा कि पाकिस्तान में फिश मसाला मिलता है, यहाँ पे भी ऐसे ही मिलता है। इस स्टाइल का है, इसमें कैबेज पिकल फ्लेवर का है। मैं ये फिश बनाऊंगी तो आपको जरूर दिखाऊंगी, इसकी वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। जो स्पाइसेस मार्केट है, इस मार्केट को आज मैंने स्पेशल डिटेल से विजिट किया था क्योंकि वीडियो बनानी थी, इससे पहले मैंने इतनी डिटेल से इसको विजिट नहीं किया था। और आज मैं स्पाइसेस देख के बहुत ज्यादा हैरान हुई क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोग पाकिस्तान में यूज करते हैं, वो भी यहाँ पे थे। इवन के मेथी दाना वो भी यहाँ पे मिल रहा था, इसलिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। पास ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ था इसलिए मैंने बाय नहीं किया। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।